नमस्कार, बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहली बार मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार है। धन मोह और पुत्र मोह में फंसे मध्य प्रदेश के नेताओं को सागर झील की लाखों बंजारा जी के त्याग से जरूर सीखना चाहिए। यही कांग्रेस का कुशासन है जिसने दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया था। PM ने कहा कि मसूद अजहर पर की गई बैन की कार्रवाई अभी ट्रेलर है, आगे की कार्रवाई अभी और बाकी है। उन्होंने कहा कि राजकुमार के तैयार होने तक परिवार का वफादार वॉचमैन बैठने की योजना बनी। उन्होंने सोचा राजकुमार आज सीखेगा, कल सीखेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इनके PM देश चिंता छोड़ अपनी कुर्सी की चिंता में लगे रहे हैं। इनमें 10 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद देश की जनता ने इन्हें सरकार से बाहर कर दिया। PM ने कहा कि कांग्रेस के नामदार ने स्वीकार कर लिया है कि मोदी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका एकमात्र लक्ष्य मोदी की छवि को नुकसान पहुँचाना था। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। नामदार ने इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम बैंक ऑफ था। ये नाम भी इनके कारोबार से मिलता जुलता है। जब से ये कारनामा सामने आया है तब से नामदार और सारे राग दरबारी को भवन में चले गए हैं। PM मोदी के राजीव गांधी वाले बयान पर सीएम पित्रोदा बोले, प्रधानमंत्री के बयान पर आती है शर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भद्र नेता कहने वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। कांग्रेस नेता सीएम पित्रोदा ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से दुख होता है। भारतीय प्रवासी कांग्रेस प्रमुख सीएम पित्रोदा ने कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें इस बयान पर शर्म आती है। मैं एक गुजराती हूँ और गांधी जी के राज्य से आया हूँ। इस राज्य के लोग जितना झूठ बोल सकते हैं और ऐसी नीच बातें बोल सकते हैं, इससे हमें बहुत दुख होता है। PM पित्रोदा ने कहा, PM ने राजीव गांधी के बारे में जो कहा उससे हम आहूत हुए। आमतौर पर किसी देश का PM लोगों के लिए बोलता है, यह एक बड़ी जवाबदेही है। PM बकवास नहीं बोल सकते, लेकिन कल PM ने राहुल गांधी से कहा कि आपके पिता एक नंबर के भ्रष्टाचारी थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।